हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है पुलिस स्टोरी टू या तो कॉल केस भी कह के सकते हो क्योंकि मलयालम में कॉल केस नाम है हिंदी डब में पुलिस स्टोरी टू नाम है तो इस फिल्म को आप कैसे ऑफिशियली मलयालम और हिंदी डब्ड वर्जन में इन्जॉय कर सकोगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे इसके अलावा फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया जाएगा हालांकि ये फिल्म ओ रिलीज है तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बातचीत तो नहीं हो पाएगी इसके अलावा फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इसी के साथ फिल्म से जुड़े सभी फैक्ट्स फेक्ट्स इंटरेस्टिंग तथ्य वो भी शेयर करेंगे अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर भी बातचीत करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये एक 2021 की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन एक क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ नाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जोमन टी जॉन एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते उसी कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गंगाधरन और जोमंटी जॉन जो ने सिनेमाटोग्राफी की हुई समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे बीस मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डायरेक्टर सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ श्रीनाथवीनाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूज़िक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सितंबर 2020 में पृथ्वीराज सुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमार को लेते हुए काफी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहां पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वी कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज़ उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर 2020 तक चौबीस नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत से कंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर करें तो पृथ्वीराज ए एसीपी एम रोल है अनिल ने प्ले किया हुआ। एक फ्री है। के रोल में मगन देखने को मिलेंगे नीला अमरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सचाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर पद्मनाभन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिन अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमी ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सीबुलावन देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गो पीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की मां का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना शेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज नेडुमंग को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ है थीमोती सज्जा का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानू के रोल में एलियन शेरले लोपेश देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ है लिस्सी फ़िलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो साबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर पाल जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलजा पी अंबू ने प्ले किया हुआ है अचैन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है सतीश ने पा पायली के रोल में विजू देखने को मिलेंगे फ्रिश्स ऑफ ओनर और ओनर का रोल है वो, वो रामू मंगलप्पा ने प्ले किया हुआ है फ्रिज ऑफ हेल्पर का रोल रफिक कन्दन परम्बा ने प्ले किया हुआ है हाउस ओनर के रोल में विजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपरवाइज का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेनुनाथन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज़ न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टर का रोल रोल प्ले किया हुआ है के में जीजी ने काम किया हुआ अमृत राज का जो रोल है सत्या ने प्ले किया हुआ है रॉबर्ट अलुआ आलुग। आलोसी जोसेफ आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे मुस्लिम वुमन का रोल है वो अश्विनी प्ले किया हुआ है मुस्लिम परेश का रोल है वो कृष्णा आयर ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम बॉय का रोल श्रीराम साइन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अल्फी पंजीकरण इस फिल्म में मेधा के सिस्टर का रोल प्ले किया और फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमार अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पे लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो एक पेरान पेरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फिसल में ने जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्टेरियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है? इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदित्य बालन अनिल

को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमैस काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसेरिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसका एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and <laughs> हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजेम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नजर आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्जीक्यूट एक्जेक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो को अमेज़न प्राइम वीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो एमेज़ोन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आह ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉलकेस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल मैं इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको जरूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल माइस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इंजॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कॉलकेस नाम के साथ आ ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स कॉलमांस के पास है सैटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइन्स के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये एक 2021 हजार की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जॉन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ नाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जोवन टी जॉन एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते कुछ kind of काइंड तो जो थी जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कि दो घंटे 20 मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डायरेक्टर सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ श्रीनाथवीनाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूज़िक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मूकिली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सेप्टेम्बर दो में पृथ्वीराज शोकुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म वो लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनू बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डिरेक्टर के तौर पे डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीज़ों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन कर लेते हुए काफ़ी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज ए एसीपी एम सत्यजीत के है अनिल ने दो अन मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सचाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहन मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने, ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर पद्मनाभन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिन अरविंद का रोल है वो नित्या प्रमी ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गो पीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की माँ का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज ने को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ थी मोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानू के रोल में एलियन सेलोक ज देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ लिस्सी फिलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो सबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलजा पी अम्बू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया

जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है मुस्लिम परेशन प्ले किया मुस्लिम बॉय का रोल श्रीराम साइन ने प्ले किया हुआ इसके अलावा अलफी पं पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा के सिस्टर का रोल, है, <Svini> रोल, है, का रोल है, प्ले किया हुआ फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमार आदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो एक पेरान पेरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फिसल में ने जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्रियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कदित्य पालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस के अगेंस्ट डील करता है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीजों को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एरेमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइज काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नजर आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and <laughs> हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजेम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे सेकंड हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरीज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्जीक्यूट एक्जेक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी 30 जून 2021 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स वो अमेजन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आह ओ टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स थे वो गोल ने खरीदे थे तो गोल वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस वहीं पे ओटीटी जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी केस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल मैं फिल्म को ओटीटी पे देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको जरूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा एमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कॉलकेस नाम के साथ आ ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स कॉलमांस के पास है सैटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइंस के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइंस के यूटूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये दो हजार की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी थी वो श्रीनाथ की जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जॉन एंटो जोसेफ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो और एपी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ

इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथवी नाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सेप्टेम्बर दो में पृथ्वीराज कुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीज़ों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन कर लेते हुए काफ़ी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में या आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप अप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज एम सत्यजीत आईपीएस के रोल में अनिल तो ने दो मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सचाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता हरिथा मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर आदवन राजेशन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मालिना अरविंद का रोल है वो नित्या प्रमी ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहरू देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गो पीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की मां का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज नेडुमंगत को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ है थिमोती सज्जाई का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानु के रोल में एलियन शेरले लोपेश देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ है लिस्सी फ़िलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो साबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर पाल जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलजा पी अंबू ने प्ले किया हुआ है चायन का रोल है वो संजू रामपुर ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है सतीश ने पाइली के रोल में विजू देखने को मिलेंगे फ्रिज ऑफ ओनर और ओनर का रोल है वो रामू मंगलप्पा ने प्ले किया हुआ है फ्रिज ऑफ हेल्पर का रोल रफीक कंदन्य रंबा ने प्ले किया हुआ है हाउस ओनर के रोल में विजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपर सुपरवाइजर का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेणुनाथन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर टू के रोल में जीजी ने काम किया हुआ है अमृत का जो रोल है सत्या ने प्ले किया हुआ है रॉबर्ट अलुआ आलोसी जोशेफ आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे मुस्लिम वुमन का रोल है वो अश्विनी प्ले किया हुआ है मुस्लिम परेश का रोल है वो कृष्णा नारायण आयर ने प्ले, bueno ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम बॉय का रोल श्रीराम साइन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अलफी पं पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा के सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फ़िल्म की कहानी है वो एक पेरान पैरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फिसर मैन है जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्री मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदिति पालन अनिल सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए प्रीमाइज था, था उसको काफी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीजों को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइज काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नजर आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and <laughs> हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बी सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे से हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरीज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एग्जीक्यूट एग्जैक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी 30 जून 2021 को अमेज़न प्राइम वीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉस मिला जिसके चलते आई पे करीबन बयालीस वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो एमेजन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने ख़रीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉल केस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल मैं इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको जरूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कोल्ड केस नाम के साथ आ ओ टी, -टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है सैटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइंस के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइंस के यूटूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये एक 2021 की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ विनाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जो जोन, एंटो जोसेप और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो एपी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते है, उसी कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरिश गंगाधरन और जोमंटी जॉन ने सिनेमाटोग्राफी की हुई, समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे 20 मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथवी नाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूज़िक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मूकिली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सेप्टेम्बर दो में पृथ्वीराज सुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनू बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ क्राइम थ्रिलर फिल्म है इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन को लेते हुए काफ़ी सारे इनडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में या आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पर शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को इकतीस अक्टूबर दो को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज एम सत्यजीत आईपीएस के रोल में अनिल तो ने मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सचाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर राजेशन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिन अरविंद का रोल है वो नित्या प्रमि ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी देखने को मिलेंगे सीआई प्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गो गोपीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की माँ का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज नेडू मंगत को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ थी मोती सज्जाई का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपहानू के रोल में एलियन शेरले लोक पी देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ लिसी फिलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल है वो सबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर पाल जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलजा पी अम्बू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुर ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है सतीश ने पायली के रोल में विजू देखने को मिलेंगे फ्रिज ऑफ ओनर और ओनर का रोल है वो रामू मंगलप्पा ने प्ले किया हुआ है फ्रिज ऑफ हेल्पर का रोल रफिक कन्दन परम्बा ने प्ले किया हुआ है हाउस ओनर के रोल में विजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपर का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेनुनाथन मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर टू के रोल में, में जी, जी ने काम किया हुआ अमृत राज का जो रोल है सत्या ने प्ले किया हुआ है रॉबर्ट आलुआ आलोसी जोसेफ आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे मुस्लिम वुमन का रोल है वो अश्विनी प्ले किया हुआ है मुस्लिम परेश का रोल है वो कृष्णा नायण आयर ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम बॉय का रोल श्रीरंग साइन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अल्फी पंजीकरण ने इस फिल्म में सिस्टर का रोल प्ले किया प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की कास्ट जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुमारन अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो एक पेरोनोम पेरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फीसर मैन है जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्री मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है? इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदिति बालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस होमिसाइड के अगेंस्ट डील करता है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉरल एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नज़र आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे जो को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइज काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बी जी एम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरीज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू ईयर जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एग्जीक्यूट एग्जैक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो को अमेज़न प्राइम मीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी यू करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो एमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने ख़रीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉलकेस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल माइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कोल्ड केस नाम के साथ आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है सैटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइज के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या केस ये एक 2021 के की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ वीनाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जोम जॉन एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो और ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते है, उसी कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गंगाधरन और जोमंटी जॉन जो ने सिनेमाटोग्राफी की हुई समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे बीस मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथवी नाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सेप्टेम्बर दो में पृथ्वीराज शिव ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीज़ों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन को लेते हुए काफ़ी सारे इनडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इनडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में या आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ पेचवर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज एम सत्यजीत के रोल में लीड रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे मेधा का रोल अनिल ने प्ले किया हुआ है एक जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद के रोल में दो मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सच्चाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता हरिथा मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर आदवन राजेशन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिना अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी बोलावन देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहरू देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गो पीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की मां का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या चिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज ने डुमंग देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ है थीमोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानू के रोल में एलियन शेरले लोपेश देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ है लिस्सी फ़िलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो साबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर पाल जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलजा पी अंबू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुर ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है सतीश ने पायली के रोल में विजू देखने को मिलेंगे फ्रिज ऑफ ओनर और ओनर का रोल है वो रामू मंगलप्पा ने प्ले किया हुआ है फ्रिज ऑफ हेल्पर का रोल रफिक कन्दन परम्बा ने प्ले किया हुआ है हाउस ओनर के रोल में विजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपर सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है न्यूज रिपोर्टर टू के रोल में जी ने काम किया हुआ है अमृत राज का जो रोल है सत्या ने प्ले किया हुआ है रॉबर्ट अलुआ आलोसी जोशेफ आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे मुस्लिम वुमन का रोल है वो अश्विनी ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम परेश का रोल है वो कृष्णा नारायण आयर ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम बॉय का रोल श्रीराम साइन ने प्ले किया हुआ इसके अलावा अलफी पंक पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा के सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फ़िल्म की कहानी है वो एक पेरान पेरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फिसल मैन है जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्रीस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदित्य पालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट बढ़ाते हुए नजर आते हैं फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस मिस्टर के अगेंस्ट डील का उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉर एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीज़ों जो को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन केमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइज काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नजर आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and <laughs> हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बी सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे से कंड आप में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरीज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सीक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू ईयर जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्सिक्यूट एक्सैक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो हज़ार इक्कीस को अमेज़ॉन प्राइम मीडिया ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी यू करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो अमेजन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने ख़रीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आह ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्ज़न रिलीज़ हुआ तो उसको भी कॉलकेस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल मैं इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल माइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कोल्ड केस नाम के साथ आ ओ टी, -टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोल्ड माइंस के पास है सेटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइंस के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये एक 2021 के की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ भी की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जोमन जोन, जॉन एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते है, उसी कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गंगाधरन और जोमंटी जॉन ने सिनेमाटोग्राफी की हुई समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे 20 मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज़ किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ श्रीनाथवीनाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मूकिली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरिशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सेप्टेम्बर दो में पृथ्वीराज कुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनू बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ क्राइम थ्रिलर फिल्म है इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन को लेते हुए काफ़ी सारे इनडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में या आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पर शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को इक्तीस अक्टूबर दो को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ पेचवर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन ए एम सत्यजीत आई के रोल में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे का रोल रोल है है ने प्ले किया हुआ है। एक जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद के रोल में अनिल ने मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सच्चाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर पद्मनाभन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवाज का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिन अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एसआई अजीत कुमार के रोल में गिबिन गोपीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की माँ का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज नेडूमंग को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ थी मोती सज्जाई का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानु के रोल में एलियन सेलो देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ है उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल है। वो सा ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का, का रोल शैलजा पी अंबू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है सतीश ने पायली के रोल में बिजू देखने को मिलेंगे फ्रिज ऑफ ओनर और ओनर का रोल है वो रामू मंगलप्पा ने प्ले किया हुआ है फ्रिज ऑफ हेल्पर का रोल रफिक कन्दन परम्बा ने प्ले किया हुआ है हाउस ओनर के रोल में विजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपर का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेणुनाथन मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर टू के रोल में जी ने काम किया हुआ है अमृत राज का जो रोल है सत्या ने प्ले किया हुआ है रॉबर्ट अलुआ आलोसी जोसेफ आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे मुस्लिम वुमन का रोल है वो अश्विनी प्ले किया हुआ है मुस्लिम परेश का रोल है वो कृष्णा नायण आयर ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम बॉय का रोल श्रीरंग साइन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अल्फी पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा के सिस्टर का रोल प्ले किया और फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमार अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्टर्स के तौर पे लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फ़िल्म की कहानी है वो एक पेरोनोम पेरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक में ने जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्रियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदिति पालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस मिस्टर के अगेंस्ट डील करता है उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉर एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीज़ें जो को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एरिमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइज काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसेडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें you हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बी सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू ईयर जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एग्जीक्यूट एग्जैक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो हज़ार इक्कीस को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी यू करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो एमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉलकेस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल मैं इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल माइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलगु वर्जन है उसको कोलकेश नाम के साथ आ ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोलमेन्स के पास है सेटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइज के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये एक दो की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जॉन एक क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ बीनाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जोम टी जॉन एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते

इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज़ किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ नाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मूकिली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सितंबर 2020 में पृथ्वीराज सुकुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन कर लेते हुए काफ़ी सारे इनडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में या आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पर शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को इकतीस अक्टूबर दो को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए सी एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज एम सत्यजीत के रोल में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे का रोल है है ने प्ले किया हुआ है। एक जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद के रोल में अनिल ने मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सच्चाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर आदवन राजेशन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिन अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी बोलावन देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गोपीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की माँ का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या चिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज नेडुमंग को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ थी मोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानु के रोल में एलियन सेर सेलो पेज देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया है लिस्सी फिलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो सबारी ने प्ले किया हुआ me, dech dech है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर पाल जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलाजा पी अम्बू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया सतीश <स्तिक्ष> ने पायली के रोल में बीजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपरवाइजर का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेनुनाथन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है वो कृष्णा ने प्ले किया जोसेफ, के में देंगे, मुस्लिम बॉय का रोल श्रीराम साइन ने प्ले किया हुआ इसके अलावा अल्फी पं पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमार अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो एक पेरान पेरा इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फिसल मैन है जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का, का कवर મે ઉસકો પાયા જાતા હૈ اسકે અલાવા લોકલ એસીપી સત્યજીત યાની કિ પ્રચુરાસ કુમારન જો રોલ પ્લે કરે વો ઉનકે પાસ હી કેસ જાતા હૈ जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्री मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदिति बालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस होमिसाइड के अगेंस्ट डील करता है उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट से किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉर एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट से किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीज़ों को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइज काफी अच्छा प्रोमिसिंग नजर आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफी अननेसेसरी नजर आ रहे थे तो वो सभी चीजें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीजें and हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजेम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरेज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एग्जीक्यूट एग्जैक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो हज़ार इक्कीस को अमेज़ॉन प्राइम मीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी यू करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो एमेजोन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइन्स वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉल केस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल माइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलगु वर्जन है उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोलबाइन्स के पास है सेटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइंस के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे

તે ઉસિત કુછ કાઈન્ડ ઓફ બજેટ થા ફિલ્મ કા ઇસ ફિલ્મ કે ટેકનિકલ ટીમ કે ઉપર વાચિત કરે તો ગિરિઝ ગંગા ધરણ ઓર જોમંટી જોન ને સિનેમેટોગ્રાફી કી હુઈ સમીર મોહમ્મદ ને એડિટિંગ કી હુઈ થી જિન્હોને 140 મિનિટ કા રન ટાઈમ દિયા હુઆ હે યાની કી 2 ઘંટે 20 મિનિટ કે ફિલ્મ દેખને કો મિલેગી પ્રકાશ એલેક્સ કે દ્વારા ફિલ્મ મે મ્યુઝિક દિયા ગયા હે જિન્હોને બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર સૉંગ્સ કમ્પોઝ કી હુએ ફિલ્મ મે એક ગانا થા બાકી ફિલ્મ કા જો બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર હે વો ભી इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ श्रीनाथवीनाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सितंबर 2020 में पृथ्वीराज कुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डर के तौर पर डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन को लेते हुए काफ़ी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज़ उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कम्प्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन ए एम सत्यजीत आईपीएस के रोल में लीड रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे मेधा का रोल है बाला ने प्ले किया हुआ है। एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है सैयद मोहम्मद के रोल में अनिल ने मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सच्चाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने, ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर पद्मनाभन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिना अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी बोलाबन देखने को मिलेंगे सीआई प्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एसआई अजीत कुमार के रोल में गिबिन पीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की मां का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना शेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज ने को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ है थी मोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रप्रू के रोल में एलियन सेर ले लोपेश देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ है लिस्सी फ़िलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो सबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर पाल जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलाजा पी अम्बू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया के रोल में देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपरवाइजर का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेणुनाथन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना राम मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ अमृत राज का जो है। सत्या ने प्ले किया के में देंगे। मुस्लिम का है मुस्लिम परेशन प्ले किया मुस्लिम बॉय का रोल श्रीराम साइन ने प्ले किया हुआ इसके अलावा अल्फी पं पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो एक पेरान पेरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फीसर मैन है जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्रियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदित्य पालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस होमिसाइड के अगेंस्ट डील का था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉर एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीज़ों जो को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइस काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजीएम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरीज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सीक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू ईयर जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्सिक्यूट एक्सैक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नज़र आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कॉलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो को अमेजन प्राइम मीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पर करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने ख़रीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइन्स ने ख़रीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज़ हुआ तो उसको भी कॉलकेस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल माइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको के नाम के साथ आ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोल के पास है सेटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइज के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइज के यूटूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये एक 2021 के की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ वीनाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जोम टी एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते उसी कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गंगाधरन और जोमंटी जॉन जो ने सिनेमाटोग्राफी की हुई समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे 20 मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज़ किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ वीनाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूज़िक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सितंबर 2020 में पृथ्वीराज कुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एजे डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन कर लेते हुए काफ़ी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इनडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज़ उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए सी एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कम्प्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन एसीपी एम सत्यजीत आईपीएस के रोल में लीड रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे मेढा पंदमराजम का रोल है है ने प्ले किया हुआ है। एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट सीआई सैयद मोहम्मद के रोल में अनिल ने मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सचाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर राजेशन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिना अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी बोलावन देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गोपीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की माँ का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या चिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज ने को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ थी मोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानु के रोल में एलियन शेयर लेलो पेज देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ एलिसी फिलिप के रोल में उषा तो करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो सबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलाजा पी अम्बू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया पा, के में देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपरवाइजर का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेणुनाथन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना

इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो एक पेरान पेरा नॉर्मल के ऊपर सेट की गई थी एक फीसर में ने जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्टेरियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है? इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदिति बालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस होमिसाइड के अगेंस्ट डील का था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉरल एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीज़ें चीज़ों को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नेरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइस काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजीएम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स थे जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरीज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्जीक्यूट एक्जेक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नजर आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो हज़ार इक्कीस को अमेज़न प्राइम मीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो एमेज़ोन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्लू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉल केस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल मैं इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोल माइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इंजॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कोलकेश नाम के साथ आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट गोलबाइन्स के पास है सेटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइंस के ऊपर आप बिल्कुल फ़्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूटूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या केस ये एक 2021 के की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ वीनाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जोम टी जॉन एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते उसे कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गंगाधरन और जोमंटी जॉन ने सिनेमाटोग्राफी की हुई समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे 20 मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ श्रीनाथवीनाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सितंबर 2020 में पृथ्वीराज कुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन कर लेते हुए काफ़ी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इनडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज़ उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कम्प्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत से एक शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन ए एम सत्यजीत आई के रोल में लीड रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे मेढा पंदमराजम का रोल है है ने प्ले किया हुआ एक जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद के रोल में अनिल नेंदु मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सचाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहन मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर पद्मनाभन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डीसीपी डॉक्टर मलिना अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी बोलावन देखने को मिलेंगे सीआई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एसआई अजीत कुमार के रोल में गिबिन पीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की मां का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना शेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज ने को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ है थी मोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानू के रोल में एलियन शेरले लोपेश देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ है लिस्सी फ़िलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो भारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले, प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलजा पी अंबू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुर ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है सतीश ने पायली के रोल में विजू देखने को मिलेंगे फ्रिज ऑफ ओनर और ओनर का रोल है वो रामू मंगलप्पा ने प्ले किया हुआ है फ्रिज ऑफ हेल्पर का रोल रफिक कन्दन परम्बा ने प्ले किया हुआ है हाउस ओनर के रोल में विजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपर का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेणुनाथन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर टू के रोल में जी जी ने काम किया हुआ है अमृत राज का जो रोल है सत्या ने प्ले किया हुआ है रॉबर्ट अलुआ आलोसी जोसेफ आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे मुस्लिम वुमन का रोल है वो अश्विनी ने प्ले किया हुआ मुस्लिम परेश का रोल है वो कृष्णा आयर ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम बॉय का रोल श्री रंग साइन ने प्ले किया हुआ इसके अलावा अलफी पंक पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा के सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फ़िल्म की कहानी है वो एक पेरान पैरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक में ने जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्रियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदित्य पालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस होमिसाइड के अगेंस्ट डील का था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉर एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीज़ों को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नेरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइस काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें

हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजीएम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है तो पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज़ कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्जीक्यूट एक्जेक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नजर आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो को अमेजन प्राइम वीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन बयालीस वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स वो अमेजन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आह ओ टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्ल्यू वर्जन के राइट्स है वो गोल ने खरीदे थे तो गोल वालों ने तो इस फिल्म को नाम नाम दिया है पुलिस वहीं पे आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी केस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को ओ पे देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इंजॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको के नाम के साथ आ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोल के पास है सेटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइंस के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या केस ये एक 2021 के की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ वीनाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फ़िल्म को जोमन टी जॉन एंटो जोसेफ़ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ़ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो ए पी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते उसी कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गंगाधरन और जोमंटी जॉन ने सिनेमाटोग्राफी की हुई समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे बीस मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूज़िक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथवी नाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सितंबर 2020 में पृथ्वीराज सुमार ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म और लीड रोल प्ले करने वाले को इसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तनु बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ चीजें वो सामने आई थी और उसके बाद में टेक्निकल टीम के बारे में भी थोड़ी अनाउंसमेंट की गई थी फिल्म की जो शूटिंग है वो पृथ्वीराज सुकुमारन कर लेते हुए काफ़ी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहाँ पे शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज़ उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर दो तक चौबीस नवंबर दो तक कम्प्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत से शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप अप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन एम सत्यजीत आईपीएस के रोल में अनिल तो ने दू मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सच्चाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहन की मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक फोरेंसिक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर आदवन पद्म का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डी डॉक्टर मलिना अरविंद का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी बोलावन देखने को मिलेंगे सी आई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गो गोपीनाथ देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेधा की माँ का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मय या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज ने डुमंगत नेडुमंग देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ थी मोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपानु के रोल में एलियन सेलो स देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ है लिस्सी फिलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो साबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलजा पी अंबू ने प्ले किया हुआ है चैन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है सतीश ने पा पायली के रोल में बिजू देखने को मिलेंगे फ्रिज ऑफ ओनर और ओनर का रोल है वो रामू मंगलप्पा ने प्ले किया हुआ है फ्रिज ऑफ हेल्पर का रोल रफिक कन्दन परम्बा ने प्ले किया हुआ है हाउस ओनर के रोल में विजू देखने को मिलेंगे हाउस ओनर के वाइफ का रोल है वो रामदेवी राममूर्ति ने प्ले किया हुआ है हॉस्टल वार्डन का रोल माया सुरेश ने प्ले किया हुआ है कंस्ट्रक्टर साइट सुपरवाइज का रोल सुनील विक्रम ने प्ले किया हुआ था एन वेणुनाथन होम मिनिस्टर के रोल में दिखाई देंगे मालिनी की बेटी का रोल है वो आलिना मारिया ने प्ले किया हुआ है श्रीनाथ वीना जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है न्यूज़ रिपोर्टर टू के रोल में जी ने काम किया हुआ का अमृत राज का जो रोल है सत्या ने, ने प्ले किया हुआ है रॉबर्ट अलुआ आलोसी जोसेफ आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे मुस्लिम वुमन का रोल mm. है वो अश्विनी प्ले किया हुआ है मुस्लिम परेश का रोल है वो कृष्णा नायण आयर ने प्ले किया हुआ है मुस्लिम बॉय का रोल श्रीराम साइन ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा अल्फी पंजीकरण ने इस फिल्म में मैदा की सिस्टर का रोल प्ले किया और फोटो प्रेजेंस देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रॉमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमार नदिती बालन अनिल एक कुछ छली डायरेक्टर्स के तौर पे लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फ़िल्म की कहानी है वो एक पेरान पैरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक में मैन जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्ट्रियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है? इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदिति बालन अनिल पृथ्वीराज सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस के अगेंस्ट डील का था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉर एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीज़ों को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नेरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइस काफी अच्छा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजीएम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है तो पुलिस स्टोरीज टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहां पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिक्वेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्जीक्यूट एक्जेक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नजर आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो को अमेजन प्राइम मीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी करीबन बयालीस वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स वो अमेजन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्लू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आह ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉलकेस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल मैं इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कोलकेश नाम के साथ आ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोलबाइन के पास है सेटेलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइज के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमाइज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस ये एक 2021 के की मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जिसका जोन हरे क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तनु बालक ने स्टोरी थी वो श्रीनाथ वीनाथ की थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे हुए थे इसके अलावा फिल्म को जो जोन, एंटो जोसेफ और समीर मोहम्मद के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था एंटो जोसेफ फिल्म कंपनी प्लान जे स्टूडियो एपी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को एक मीडियम काइंड ऑफ बजट के साथ बनाया हुआ था जो मलयालम लैंग्वेज स्टार हीरो के साथ बनते है। उसी कुछ काइंड ऑफ बजट था फिल्म का इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गंगाधरन और जोमंटी जॉन ने सिनेमाटोग्राफी की हुई समीर मोहम्मद ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने 140 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे बीस मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी प्रकाश एलेक्स के द्वारा फिल्म में म्यूजिक दिया गया है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में एक गाना था बाकी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी इस फिल्म के डरेक्ट सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि प्रकाश एलेक्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जो एक गाना था उसके लिरिक्स श्रीनाथ श्रीनाथवीनाथ ने ही लिखे हुए थे जो फिल्म के राइटर भी है इसके अलावा म्यूजिक एल्बम में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा उसका नाम है ईरान मोकीली जिसको पच्चीस जून दो को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जिसको के एस हरीशंकर ने गाया था और गाने की लेंथ चार मिनट इकतालीस सेकंड की थी इस गाने को ऑफिशियली आप यूट्यूब पे सुन सकते हो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मलयालम वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर सितंबर 2020 में पृथ्वीराज शिव ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया था तब पता चला था कि लीड फिल्म वो लीड रोल प्ले करने वाले किसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में जिसको एंटो जोसेफ प्रोड्यूस करेंगे और तन्नू बालक जो एक सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के साथ वो एज अ डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे श्रीनाथ वीनाथ ने स्क्रीन प्ले स्टोर स्क्रिप्टिंग का काम संभाला हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म की कहानी सेट होने वाली है कुछ इस फिल्म में फिक्सनल चीजों को एड करके इस फिल्म को बनाया जाएगा हाँ है, इसमें को भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक क्राइम लेते हुए काफी सारे इंडोर सीन को शूट किया हुआ था मोस्टली फिल्म को इंडोर ही रखा हुआ था कुछ ही ऐसे सीन थे जिसको क्राउड के बीच में आउटडोर में रखा हुआ था तो त्रिवेंद्रम में इस फिल्म को वहां पर शूट किया हुआ था आउटडोर के लिए इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियली लॉन्च किया था और उसके बाद में जब शूटिंग चल रही थी उसके बीच में ही पृथ्वीराज सुकुमारन कोविड के चलते क्वारंटाइन हुए थे और वो जब रिकवर हुए उसके बाद में तेरह नवंबर को फिल्म की शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ फोटोज़ उनके वायरल हुए थे वहाँ पे पता चला था खाकी यूनिफॉर्म में वो दिखने वाले तो उनके किरदार का नाम बाद में पता चला कि ए एम सत्यजीत होने वाला है तो ये सभी चीज़ें रिवील हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चौबीस अक्टूबर 2020 तक चौबीस नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया था और कुछ दिनों के बाद तुरंत सेकंड शेड्यूल भी स्टार्ट करवा दिया था उसको भी सात दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था और तीसरा आखिरी जो शेड्यूल था छोटा सा उसको भी स्टार्ट किया था और प्रोडक्शन को पूरी तरह से छत्तीस दिनों में ब्रेकअप किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया गया था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो रोल है अनिल ने प्ले किया हुआ है। एक है। के रोल में मगन देखने को मिलेंगे नीला मरुथान आईपीएस का रोल है वो पूजा महाजन राज ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा जारा सचाई का रोल है वो सुचित्रा पिल्लाई ने प्ले किया हुआ था इवा मारिया के रोल में आत्मिया राजन देखने को मिलेंगे एडवोकेट हरिता मोहनकी मंकल का जो रोल है वो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर महेश जो एक फॉरेंसिक सर्जन है उसका रोल राजेश हेबार ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर आदवन पद्मनाभन का रोल आनंद ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर सना नवास का रोल है वो डॉक्टर दिव्या ने प्ले किया हुआ है डी डॉक्टर मलिना अरविंद एपेस का रोल है वो नित्या प्रोमिन ने प्ले किया हुआ है एस सतीश के रोल में सी बोलावन देखने को मिलेंगे सी आई राजप्रकाश के रोल में बिलास नेहर देखने को मिलेंगे एस अजीत कुमार के रोल में गिबिन गोपीनाथ तो देखने को मिलेंगे पद्मराज जो मेदा की माँ का रोल था वो पार्वती टी ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा चिन्मयी या तिन्नू के रोल में बेबी इथिल इवाना सेरिन देखने को मिलेंगे वसुधरा के रोल में विजय कुमारी देखने को मिलेंगे ब्रोकर कुंजेरिया के रोल में अजीज ने को देखने को मिलेंगे दर्शन देव का जो रोल है वो श्रीकांत के विजया ने प्ले किया हुआ थी मोती सज्जय का रोल है वो रवि कृष्ण ने प्ले किया हुआ है आसिफ के रोल में कनन नेर देखने को मिलेंगे चंद्रपहानू के रोल में एलियन शेयर लेलो पेज देखने को मिलेंगे रोशनी का रोल है वो संजू सोमनाथ ने प्ले किया हुआ लिस्सी फिलिप के रोल में उषा करुणा गप्पियल देखने को मिलेंगे इसके अलावा जियो का रोल वो सबारी ने प्ले किया हुआ है जिनी के रोल में अनुश्री पोथेन देखने को मिलेंगे रफिका के रोल में सूर्या मोहन देखने को मिलेंगे इसके अलावा फिलिप कराचल के रोल में रविंदर जी देखने को मिलेंगे कमिश्नर वेंकटेश आई का रोल बेंसी मैथ्यू ने प्ले किया हुआ है डंडा पांडे के रोल में अंबूरी जैन देखने को मिलेंगे चंद्रिका का रोल शैलाजा पी अंबू ने प्ले किया हुआ है चायन का रोल है वो संजू रामपुरन ने प्ले किया हुआ है टी स्टोलर का ओनर का जो रोल है वो प्ले किया

जो फिल्म के राइटर थे उन्होंने न्यूज रिपोर्टर वन का रोल प्ले किया हुआ है न्यूज़ मुस्लिम वुमन का रोल है वो अश्विनी ने प्ले किया हुआ है वो कृष्णा ने प्ले किया मुस्लिम बॉय का रोल रंग साइन ने प्ले किया हुआ इसके अलावा अलफी पंजीकरण ने इस फिल्म में मेधा के सिस्टर का रोल प्ले किया तो ये फिल्म की प्रोमिनेट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन अदिति बालन अनिल एक कुछ लीड एक्ट्रेस के तौर पे लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो एक पेरोनोम पेरा नॉर्मल इंसिडेंट के ऊपर सेट की गई थी एक फीसर में ने जो जिसको ह्यूमन स्कल पाया जाता है जो ट्रेस का, का कवर में उसको पाया जाता है इसके अलावा लोकल एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो रोल प्ले करे वो उनके पास एक केस जाता है जहाँ पे इसके पीछे कौन क्रिमिनल है उसका क्या मोटिव है और इस मिस्टेरियस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था वो सभी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते बाकी कहानी यही है कि इस केस को किस तरह से वो डील करते इस पुलिस प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कुछ हॉरर एलिमेंट का इशारा करती है तो वो सभी चीज़ें क्या है इन सभी चीज़ों का लिंक किस तरह से इस केस के साथ वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सभी एक्टर बखूबी काफ़ी बढ़िया थे ये जो तीन चार लीड एक्टर थे जैसे कि अदिति बालन अनिल पृथ्वीरा सुकुमारन वो अपने कंधे पे इस फिल्म को अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं फिल्म का जो कोर पॉइंट था जो मिस्टीरियस के अगेंस्ट डील करता है उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था उसमें जिस तरह से हॉर एलिमेंट सराउंडिंग रखा हुआ था वो भी बढ़िया था इसका प्रीमाइज था उसको काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वो जो आइडिया था इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर और हॉरर का वो दोनों का कॉम्बो काफी फ्रेश नया नजर आता है हाँ फिल्म का कहानी था वो सिंपल था डायरेक्टर उसको और बेहतर वे में दिखा सकते थे चीजों को वो और बेहतर वे में हमारे सामने पेश कर सकते थे हॉरर ड्रामा सस्पेंस इन सभी चीज़ों को इन एलिमेंट को अपने नरेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वो मेन प्लॉट के साथ सेट कर सकते थे लेकिन वो इतना कर नहीं पाए प्रीमाइस काफ़ी अच्छा प्रोमिसिंग नजर आ रहा था लेकिन सब प्लॉट्स काफ़ी अननेसेसरी नज़र आ रहे थे तो वो सभी चीज़ें फिल्म के टेम्पो को बिगाड़ रही थी प्रोसीडिंग को बिगाड़ रही थी तो उसको सुधारा जा सकता था फर्स्ट हाफ फिल्म का था उसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे वहीं पर कुछ मोमेंट्स ठीक ठाक है लेटर हाफ था वो भी कुछ उसी का एंड ऑफ था इसके अलावा एंड में जिस तरह से जो एक चीज़ें and <laughs> हमारे सामने पेश की जाती है उतना कुछ खास नज़र नहीं आता है क्लाइमेक्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था उसको जिस तरह से बाद में हमारे सामने पेश किया जाता है उतना कुछ कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है बीजीएम सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट थी जो सीन्स थे उसको जिस तरह से शूट किया हुआ था उसके ऊपर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो फिल्म का बिगेस्ट एसेट था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी और फिल्म को और भी ज़्यादा क्रिस्प किया जा सकता था कुछ ऐसे सीन्स जैसे हाफ में जो अननेसेसरी खींचे हुए नज़र आते उसको काट दिया जा सकता था प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है तो पुलिस स्टोरी टू या कोल्ड केस दोनों में से कोई सी भी फिल्म आप टाइटल चूज कर सकते हो तो ये एक डिसेंट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे क्राइम थ्रिलर अच्छा देखने को तो मिलता है सेटअप भी बढ़िया था इंटरेस्टिंग था परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी कुछ ऐसे सिकवेंस है उसको भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था लेकिन डायरेक्टर जो इस फिल्म का न्यू जो सस्पेंस थ्रिलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आए थे उसको वो एक्सिक्यूट एक्जेक्टली नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नजर आती है अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिल्म अच्छी है इसे देखी जा सकती है कोलकेस फिल्म फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी तीस जून दो को अमेज़ॉन प्राइम मीडियो ने इसको रिलीज़ किया था उनके पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी यू करीबन बयालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स एमेजन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल वर्जन के लिए तेलुगु वर्जन के राइट्स आह ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे थे हिंदी डब्लू वर्जन के राइट्स है वो गोल माइंस ने खरीदे थे तो गोल माइंस वालों ने तो इस फिल्म को नाम दिया है पुलिस स्टोरी टू वहीं पर आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जब तेलुगु वर्जन रिलीज हुआ तो उसको भी कॉल केस नाम दिया हुआ था तो फिलहाल में इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर कॉल केस नाम के साथ मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको ऑफिशियली आप पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आने वाले समय में इसको ज़रूर यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा जिसको ऑफिशियली गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ इन्जॉय कर पाओगे हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कॉल केस फिल्म का जो मलयालम वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसको कोलकेश नाम के साथ आ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोल के पास है सेटिलाइट यूट्यूब के दोनों के तो उन्होंने पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ फिल्म को डब करवाया हुआ है फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसको सैटेलाइट चैनल यानी कि गोलमाइज के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो वहीं पे आने वाले समय में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को गोलमैंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ऑफिशियली देख सकोगे पुलिस स्टोरी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब तो इस तरह से कोलकेस फिल्म को या तो पुलिस स्टोरी टू फिल्म को आप ऑफिशियली हिंदी तेलुगु तमिल इन तीन वर्जन में मलयालम इन तीन वर्जन में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस दोस्तों पुलिस स्टोरी टू या कोलकेस फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास अपडेट थी वो शेयर कर दिए फिल्म का तेलुगू तमिल हिंदी ये जो सब तीन चार वर्जन है वो कैसे ऑफिशियली देख सकोगे उसकी भी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा की हुई है कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की हुई है इंटरेस्टिंग तथ्य और फेक्ट भी शेयर किए हुए हैं तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर की हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू